Hi guys, my name is Nashid और इस वीडियो में हम देखेंगे कि Pixel 3a जो अभी लॉन्च हुआ है वो कैसा है, Pixel 3a या 3XL लेना है, इस दोनों में कंपैरिजन करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले एक बात ये आती है कि कितना दाम है उसका। तो दाम है 40,000। They start at just $399. God damn it! और वो कह रहे हैं ये मिड रेंज है। मिड रेंज यूएस के लिए है और सही बात है कि यूएस के लिए मिड रेंज है वो, क्योंकि पिक्सल लगभग 799 में लॉन्च हुआ था और ये 399 में वहाँ लॉन्च हुआ है डॉलर्स। वहाँ सोचते हैं लोग कि एक डॉलर बराबर 100 रुपी, जो इतना ज़्यादा मैथमेटिकली गलत है। क्या पता कितना टैक्स लग जाता है भाई, 70 से ऊपर तो कभी कभी जाता है। तो इसी बात को सोचकर इंडियंस को फ़ोन नहीं लेना चाहिए ये, कि हमेशा वो लोग प्रिटेंड कर लेते हैं कि जो अमेरिका में फ़ोन बना है या जो अमेरिका की एकदम कंपनी है वो $800 वहाँ लॉन्च हो रहा है तो यहाँ 80,000 का हो जाएगा, वहाँ $1,000 का है तो यहाँ 1,00,000 हो जाएगा, जो हुआ था आईफोन के साथ भी। लेकिन आईफोन का अलग मामला है क्योंकि उसका अलग OS है, अलग मतलब आदमी लोग खोए रहते हैं ग्रीन बबल में। ओपन प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉयड है और आप कंपीट कर रहे हैं इतनी ज़्यादा कंपनियों के साथ, सैमसंग, Xiaomi, खास करके जो अभी चाइना की कंपनियाँ आ रही हैं Xiaomi और Huawei। 45000 नहीं होगा कभी भी, हमेशा होगा 44999, मतलब 45,000 रुपये से कम का लिखने के लिए, अंडर 45,000। इस वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। वो बात हो गई प्राइसिंग की। और आप प्रोसेसर के मामले में आइए, तो मिड रेंज है प्रोसेसर, मिड रेंज है, ठीक है। डिलीवरिंग प्रीमियम फीचर्स विद हाई परफॉर्मेंस ऑन अ फोन एट दिस प्राइस पॉइंट। लेकिन Xiaomi यहाँ इंडिया में 13,999 रुपए में उससे अच्छा प्रोसेसर का फोन दे रहा है नोट 7 प्रो, तो आप क्यों लीजिएगा 3a? सब बात तो हो रही है, उस वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब मैं बोल रहा हूँ नहीं लेने के लिए, और मैं किसी को बोलूंगा नहीं कि ये फ़ोन लेने के लिए। लेकिन कंपैरिजन देख लेते हैं 3A और 3XL के बीच में। तो वो 40,000 रुपये का है, बड़ा वाला 45,000 रुपये का है। दोनों में OLED स्क्रीन है, जो सस्ते फ़ोन में नहीं आती है, तो स्क्रीन अच्छी है, चलिए मान लिया। उसके बाद से छोटे वाले में 5.6 इंच स्क्रीन है और बड़े वाले में 6 इंच स्क्रीन है। दोनों में स्नैपड्रैगन 670 है, ये तो बता दिया। उसके बाद से जो छोटा वाला पिक्सल है उसका थोड़ा रेजोल्यूशन ज़्यादा है और बड़े वाले का कम है। शायद छोटे वाले का 1080x2220 है और बड़े वाले का 1080x2160 है, तो थोड़ा सा अंतर है। कैपेसिटी मेमोरी की बात है तो दोनों 64 और 4GB मेमोरी या रैम के साथ आता है। तो मेरा दिमाग ये ख़राब हो रहा है कि मैं लगभग एक महीने से इंतज़ार कर रहा था इस फ़ोन के लॉन्च होने का। जाहिर सी बात है मैं लूँगा नहीं, क्योंकि मैंने पोको लिया था। दोनों में कैमरा है 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और सेल्फी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। But what Pixel is really known for is its incredible camera. तो इतना कम मेगापिक्सल है, लेकिन मेगापिक्सल कभी मैटर नहीं करता है, और अगर आप ये बात जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत सारे लोग बात नहीं जानते हैं। पिक्सल का जो कैमरा है वो सेम कैमरा इसका है, और पिक्सल का QI P30 Pro लॉन्च होने से पहले पिक्सल का फ़ोन में सबसे अच्छा कैमरा था, तो एकदम सेम कैमरा है। थोड़ा सा इधर उधर कोई पिक उसमें ज़्यादा अच्छी होगी तो इसमें ज़्यादा अच्छी होगी, तो मैटर नहीं करता है। तो आप 40,000 रुपया फ़ोन, इसका मतलब आप जैसे मैथमेटिक्स देखिए तो 40,000 रुपया ये है, और मैं मानता हूँ कि नोट इससे ज़्यादा अच्छा फ़ोन है क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है उसमें। और सब भी बातें आ जाती हैं, जैसे इसमें OS है तो सिक्योरिटी अपडेट तुरंत आ जाएगा। You get the latest Google security patches and updates for 3 years, including Android Q this summer. Xiaomi में नहीं आएगा, और चाइना का फ़ोन है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ रहेगी जो सरकार को भेजती रहेगी इन्फॉर्मेशन, तो ये सब मामला अमेरिकन फ़ोन के साथ नहीं है। और ये भी वही लोग कहते हैं, हम लोग घुस के थोड़ी ना देख रहे हैं कि आप चिप में क्या डाल रहे हैं और क्या मामला हो रहा है। जैसे आप फेसबुक खुल कर देख लीजिए, फेसबुक ने कुछ एक्शन नहीं लिया था। अगर आप लोगों को लेना भी है ये पिक्सल 3a और 3XL के बीच में, तो मैं बोलूँगा कि 3XL लीजिए, क्योंकि रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम है, दोनों में 2-3 ही फ़र्क है,
रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम है लेकिन डिस्प्ले बड़ा है, 6 इंच का है. जस्ट ब्लैक, क्लियरली व्हाइट एंड अ न्यू कलर पर्पल-ish. बैटरी इसमें बड़ी है, 37 mAh और छोटे वाले में 3000 mAh. तो 700 mAh का बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा फर्क है, लग रहा होगा बहुत बड़ा फर्क है. ये 2-3 घंटा का एकदम फर्क पड़ जाएगा. तो अगर लेना भी है तो आप बड़ा वाला लीजिए, 5000 ज्यादा है. आप 40000 रुपए बर्बाद कर रहे हैं जहां पर आप 14000 में थोड़ा खराब कैमरा के साथ आप 26000 बचा सकते हैं. लेकिन आप पिक्सल लेना चाहते हैं, गूगल में जाना चाहते हैं, या सिक्योरिटी अपडेट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि गूगल सिक्योरिटी अपडेट्स करते रहेगा तो आपका जीमेल हैक नहीं होगा, या बहुत सारे सिक्योरिटी से आप बच जाइएगा. आप बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिस वजह से आप आसान से जो हैक होता है उससे आप बच जाइएगा. आपको उसके लिए गूगल पिक्सल लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप स्टॉक फ़ोन का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, एंड्रॉयड जैसा गूगल ने बनाया है, उसके ऊपर से कुछ लेयरिंग या यूआई का कुछ मतलब नहीं है कोई दूसरी कंपनियों का. गूगल ने पॉप किया और इधर से आपके पास पॉप आ गया और आपने डाउनलोड किया और यार वाह यार उसमें डार्क मोड है. अभी क्रोम में डार्क मोड आ गया, सब में डार्क मोड, एवरीथिंग इज डार्क मोड. तो इस तरीके का आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तब आप गूगल पिक्सल लीजिए. और अगर आप गूगल पिक्सल 3A, ये जो अभी नया वाला लॉन्च हुआ है, और 3XL में सोच रहे हैं तो 3XL लीजिए. मेरे लिहाज से तो मत ले भाई, बस मैं इसी तरीके का मतलब आपसे कन्वर्सेशन में बात करना चाह रहा था इसके बारे में. और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि परसों OnePlus 7 और 7 Pro, और हमको ये भी डर लग रहा है कि अब OnePlus God damn it Mac, धीरे से नहीं बोल सकते थे. OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro भी परसों लॉन्च होने वाला है, और उन्होंने भी वही मार्केट स्ट्रेटेजी जो है कि 2 महीने पहले ही से सबको पता चल जाएगा कि ये है. तो उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे और मैं उसको बताऊंगा आपको इसी तरीके से थोड़ा कन्वर्सेशन मूड में, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोज़ मैं तंग आ चुका हूँ. तो इस वजह से मैं देखता हूँ कि YouTube पे क्या नहीं है, उसी तरीके का YouTube वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ. जैसे ज़्यादातर यूट्यूबर जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं उनको तो, और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं. नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे ये YouTube चैनल. तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और एक लास्ट बात, पिक्सल 3 और 3XL में हेडफोन जैक भी है. और आजकल आप लोग जानते ही हैं कि जिस फोन में हेडफोन जैक होता है उसको इमोशनली लोग बोलते हैं कि अरे इसमें हेडफोन जैक भी है, इसमें हेडफोन जैक भी है. And we've also included a 3.5 millimeter audio jack. अरे यार ठीक है भी तो है तो है यार. When you use walking directions instead of staring at that blue dot on your phone, you're going to see arrows in the real world to tell you where to turn next.